आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सुबह सुबह ही राजनीतिक गलियारों से जो खबर आई थी, शायद उस पे कहीं मुहर न लग जाए। जी हां, जैसे ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन की बैठक जो बंद कमरे में हो रही थी उसमें सुनील सिंह पर आरोप लगाया कि आप हमारी बातें भाजपा तक पहुंचाते हैं, आप भाजपा से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, राबड़ी निवास में राजद के एमएलए और एमएलसीओं की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात जो उसमें ये है कि विधायकों को फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायक अपना फोन काउंटर पर ही जमा कर रहे हैं, तस्वीरों में देखिए आप। और ये बहुत बड़ी खबर है, लालू यादव इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, सारे राजद के एमएलए और एमएलसी बुलाए गए हैं, फोन ले जाने पर मनाही है। सुबह सुबह हमने ही खबर ये दिखाई थी आपको कि भाजपा के तरफ से ये खबर आई थी कि जदयू के करीब करीब 22 और राजद के 30 से ज्यादा एमएलए जो हैं वो उनके टच में हैं और भाजपा को सरकार बनाने में समर्थन देने के लिए तैयार हैं। सभी पार्टियों के कान खड़े हो चुके हैं। हमने ये खबरें आपको सुबह ही दिखा दी थी कि कुछ ना कुछ आज होने वाला है पटना के राजनीतिक गलियारों में। और ये लालू यादव आप देख रहे हैं राबड़ी देवी के निवास पर एमएलए और एमएलसी जो है राजद के, उनकी बैठक ले रहे हैं, फोन लेने पे ले जाने पर मनाही हो गई है कि ताकि कोई विधायक यदि टच में हो भी तो वो वहां की बातें बाहर तक नहीं पहुंचा सके। शायद यही जो है ये सोच रही है लालू यादव की। बैठक खत्म होते ही जो कुछ भी निकल कर अंदर से आता है अब निश्चित तौर पर बिहार संवाददाता के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।